नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। साथियों, आज महिला दिवस है, जब यह वीडियो शूट हो रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज महिलाओं की समस्याओं को हम लोग एड्रेस कर लें। एक बहुत बड़ी समस्या महिलाओं में कभी कभी आ जाती है कि जब वह बच्चे को फीड कराते हैं तो यह बहुत ज़रूरी बात है, बच्चे को आपका 17 महीने की मेहनत, 18 महीने जो आप फीड कराते हैं वो मेहनत आपके बच्चे के जीवन भर काम आएगी, उसे जीवन भर जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी दे देगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो माँ से बच्चे में जाती है, तो बच्चे ये 12 साल तक रहती है, 10 से 12 साल तक। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके बच्चे में आ जाएगी या पैसिव इम्यूनिटी आ जाएगी, इस पैसिव इम्यूनिटी से आप बच्चे को 12 साल तक अब फीड कराने के कारण निरोग रखने की राह पे चल पाएंगे। तो फीड कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फीड कराने में एक समस्या ये आती है कि धीरे धीरे जो सप्लाई है मिल्क की, आपका जो मिल्क बन रहा है और आप बच्चे को फीड करा रहे, वह धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब वह कम होता जाता है तो जाहिर सी बात है बच्चे का पेट नहीं भरता, उसे पूरी खुराक नहीं मिल पाती है। तो एक तो आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, और साथ में कुछ होम्योपैथिक दवाएं बहुत कारगर आती हैं जो आपको मिल्क सप्लाई को, आपके जो मिल्क प्रोडक्शन आपके बॉडी में हो रहा है, जो आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे ऐसी ही 7 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके मिल्क प्रोडक्शन को आपको इंक्रीज करके बच्चे को पेट भर के फीड कराने में, उसका पेट भर के फीड कराने में मदद करेंगी। दवाएं बहुत कारगर हैं साथियों, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पर आपको बताते हैं मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की अपने अंदर 7 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा जो आपके मिल्क को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की होम्योपैथी में आती है, जिससे बच्चे का पेट भर सके पूरा, जो उसका रिक्वायरमेंट है उस समय वो आप पे निर्भर है, वह है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार्ब 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर आप वीकली ले सकती हैं। यह दवा आप में जो मिल्क सप्लाई हो रही है उसको इंक्रीज करेगी, ताकि बच्चे का पेट भर पाए और आपको भी सेटिस्फैक्शन मिल पाए कि आपने किसी को भरपेट उसकी खुराक दी। कैल्केरिया कार्ब इस मकसद को पूरा करने की नंबर 1 दवा है। एक स्थिति आती हो, आप बहुत कमज़ोर हो और आपके जो है मिल्क प्रोडक्शन ना हो रहा हो प्रॉपर, तो अगर यह स्थिति कि आप बहुत वीक हैं, आपका शरीर बहुत कमज़ोर दुबला पतला है और आपके मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति को ठीक करने में होम्योपैथी में 2 कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है सीपिया और दूसरा है दवा है अल्फा अल्फा। सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगर आप शरीर से थोड़ी कमज़ोर हैं, दुबली पतली हैं, थोड़ा दुखी रहती हैं, तो सीपिया आपकी दवा है। और अगर आप शरीर से दुबली पतली है लेकिन आप दुखी नहीं रहती है, रोना आपको नहीं आता है, तो अल्फा अल्फा मदर टिंचर आपकी दवा है। आप अल्फा अल्फा का 20 ड्रॉप्स सुबह और 20 ड्रॉप शाम आधे आधे कप पानी में सुबह शाम पी सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके बच्चे को पूरी फीड मिली। दूसरी दवा साथियों जो होम्योपैथी में गोल्डन रेमेडी है मिल्क सप्लाई को, मिल्क प्रोडक्शन को आपके शरीर में बढ़ाने की, वो है लैक्टोसा विरोसा। लैक्टोसा विरोसा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप कैल्केरिया कार्ब के साथ दे सकते हैं। यह दोनों दवाएं आपके बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेंगी, ताकि आपके बच्चे को भरपेट खुराक मिल पाए। एक आपके मन में भावना आती हो कि अब बच्चा हो गया और अब हम जल्दी से रिकवर कर जाएं और आपके मिल्क ना आता हो, मतलब अब आप चाहे आप पहले जैसी वापस हो जाएं जैसा बच्चे के पहले थी, कभी तो हो ही जाएंगी, लेकिन आप तुरंत चाहती हैं ऐसा हो जाए और आपके मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, तो अगर इस स्थिति में आप अपने को पाती हैं तो इस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एग्नस कैस्टस। आप एग्नस कैस्टस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह आपकी जो यह उत्सुकता है उसको भी ख़त्म करेगी रिकवरी की, और आपको रिकवर करके एक बेहतर माँ बनाने में मदद करेगी। एक मानसिक स्थिति कुछ माओं में आ सकती है कि वह उनमें चिड़चिड़ापन हो जाता हो, उनके बिल्कुल मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा, वो एनॉयड होती हो, इससे उनमें उलझन बनी रहती हो, तो अगर इस मानसिक स्थिति में आप अपने को पाती हैं तो उस मानसिक स्थिति से निकलने और आप में ब्लड
मिल्क सप्लाई, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया। आप स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया 30 पावर में दो दो बूंद दे दें। यह आपके मन की उलझन को भी ख़त्म करेगा कि आपके बॉडी में जो पश्चाताप होता है कि पूरा मिल्क नहीं बन रहा जो आपके बेबी फीड हो पाए, और आपको उसको बढ़ाएगा और आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी देगा और फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी देगा। एक स्थिति आती है, आ सकती है आपके सामने कि आप बच्चे को फीड कराती रहीं और अब आपके ब्रेस्ट में बहुत स्वेलिंग आ गई हो और अब मिल्क का प्रोडक्शन ना हो रहा हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि आपके बहुत ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ गई हो फीड कराते कराते बच्चे को, और आप उसको सही से पूरा दूध ना पिला पा रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ऑरम सल्फोरिकम। ऑरम सल्फ 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे दीजिए, ऐसी महिला ले ले जिसको कि मिल्क प्रोडक्शन बॉडी में ठीक से नहीं हो रहा, उसके मामे यानी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। यह दवा उस स्वेलिंग को ख़त्म करके आपके मर्स को भी ठीक करेगी और आपके जो कम मिल्क प्रोडक्शन की परेशानी इसको भी ख़त्म करके आपको पारिवारिक दायित्व पूरा निभाने के लिए प्रेरित करेगी। एक और बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में जो मिल्क प्रोडक्शन को बॉडी में बढ़ाने की आती है ताकि बेबी को पूरा फीड मिल सके, वह है एसाफोटिडा। एसाफोटिडा हींग को कहते हैं बेसिकली। एसाफोटिडा वो दवा है जो आपकी मिल्क सप्लाई को बढ़ाएगी उस स्थिति में जब आपका पेट बहुत ख़राब रहता हो और आपके मिल्क सप्लाई, मिल्क प्रोडक्शन कम हो पा रहा हो शरीर में, बेबी को भरपेट खुराक ना मिल पाए। तो यह लैक्टुसा वेरोसा, कैल्केरिया कार्ब, एसाफोटिडा, यह सब दवा आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी और आपको सेटिस्फेक्शन देंगी कि आपने किसी के जीवन में उसको 12 साल तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी दे दी। एक स्थिति आती है, बनती है कि आपको मिल्क प्रोडक्शन अपने शरीर में बहुत कम हो रहा है डिलीवरी के बाद और आप में खून की बहुत कमी है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहने की आपकी हिस्ट्री रही, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। तो अगर यह स्थिति है और आपका सही से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा जो बेबी को पूरा फीड दे पाए, तो उस स्थिति से निकलने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लेसाइथिनिन। आप लेसाइथिनिन 3x पावर में एक एक टैबलेट दिन में 3 बार हर उस मदर को दे सकते हैं, या वो मदर ले सकती हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम होने की हिस्ट्री रही हो, उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है। यह दवा उनके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा के बच्चे को प्रॉपर और नॉर्मल फीड देगी। ये कुछ दवाएं थी आज महिला दिवस के अवसर पर हमारे समाज की महिलाओं के लिए। वह महिलाएं जो अपना सर्वस्व परिवार पे कुर्बान कर देती हैं, अपना सर्वस्व परिवार को दे देती हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन बड़े ब्राइट कैरियर जिनका होता है, लेकिन शादी के बाद वो समझदार औरतें, वो समझदार लेडीज़ अपने परिवार को, अपने बच्चे को IAS, IPS, PCS बनाने पे ध्यान देने लगती हैं, जज बनाने पे ध्यान देने लगती हैं और उनको ब्रॉटअप करती हैं। तो यह दवाएँ थी आपकी मुश्किलों को आसान करने की। लेकिन ये मैं निवेदन करूँगा आपसे कि कोई भी दवा किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा। अगर आपको यह मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नोटिफिकेशन पैनल में। वीडियो साथियों, अगर आपको अच्छा लगा हो, लगे ये किसी माँ की मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, इसको शेयर करके औरों को भी सब्सक्राइब कराने को प्रेरित करिएगा और बेल आइकन बटन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।